हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। तो इस बीमा में हुआ क्या है इस अधिनियम में और इसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो ये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, ये 1948 में पारित किया गया था, दैट मीन्स पास किया गया था। और 1 अक्टूबर 2006 से इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, जिनकी भी सैलरी 10,000 प्रति महीना है या फिर उससे ज़्यादा है, वो लोग इस बीमा का जो है लाभ ले सकते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि अगर कोई वर्कर जो है कंपनी में काम करता है और कंपनी में काम करते टाइम उसकी मृत्यु हो जाए, करते टाइम मतलब जिस टाइम में वो काम कर रहा है, जैसे कि मान लो वो इस कंपनी में काम कर रहा है, फिर चाहे वो घर हो या फिर कंपनी में हो, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाए, तो क्या होगा, कंपनी की तरफ से उसे पैसे दिए जाएंगे। या फिर अगर वो बीमार हो जाए या फिर उसकी फैमिली से कोई भी बीमार हो जाए तो वो ईज़िली जो है अपना इलाज करवा सकता है, वो भी उसका पैसा जो है कंपनी देगी। और अगर वो कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है तो थोड़े बहुत पैसे जो है पे करने पड़ेंगे, दैट मीन्स सस्ते रेट पे जो है इलाज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो हमारा राज्य बीमा अधिनियम है, ये किन किन जगहों पर लागू हो सकता है ये देखते हैं। तो जहाँ पर कम से कम 20 लोग होने चाहिए या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वहाँ पर जो काम है ना इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, दैट मीन्स वहाँ बिजली की ज़रूरत हो, तो ऐसी जगह पर जो है ये अधिनियम लागू हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है ये कुछ फिक्स जगह हो, कहीं भी और कभी भी इस अधिनियम को लागू किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए दुकान हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, सिनेमा घर हो गए, अखबार वाली एजेंसीज हो गई, होटल हो गए, और जितनी भी बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहाँ पर ये लागू कर सकते हैं। और इस अधिनियम में ना मेनली जो इसको चलाते हैं या फिर लागू किया है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, कर्मचारी राज्य बीमा ऑपरेशन की जिम्मेदारी इसकी होती है चालू करने की, ठीक है। उसके बाद जो ये अधिनियम है ना, इस अधिनियम का मुख्य प्रशासक जो है डायरेक्टर जनरल होता है। कौन होता है? डायरेक्टर जनरल। और ESI तो सुना होगा, जहाँ पर जो है इलाज वगैरह करवाते हैं लोग, ESI, वो उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके 16 रीजनल कार्यालय हैं और 328 स्थानीय कार्यालय हैं, स्थानीय और उपस्थानीय कार्यालय, और 104 जो है छोटे स्थानीय कार्यालय हैं, 1691 जो हैं निरीक्षण कार्यालय हैं जहाँ पर जो है उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और 280 जो है पेमेंट करने वाले कार्यालय हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है अंशदान की। अंशदान होता क्या? अंशदान होता है कंट्रीब्यूशन एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि सैलरी में से कुछ पैसे जो है हम कंपनी को देते हैं, जो कि हमारा सेव होते रहता है धीरे धीरे। तो इसमें होता है क्या है कि अगस्त 2007 से ये स्टार्ट किया गया था, अगस्त 2007 से, ठीक है, 70 रुपये प्रति माह प्रतिदिन से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अंशदान जमा नहीं करवाना पड़ता था। दैट मीन्स जिनकी सैलरी एक दिन की 70 रुपये से कम है उनको ये अंशदान जमा नहीं करवाना पड़ेगा, पर जिनकी सैलरी इससे ज़्यादा है उन्हें अंशदान जमा करवाना होगा। और कर्मचारियों का जो भी वेतन है, ठीक है, कर्मचारियों का जो भी वेतन है नॉर्मल, उसमें से 1.75% जो है वो अंशदान के रूप में जो है जमा करवाते हैं। और जो कर्मचारियों का मूल वेतन है वो 4.75 के बराबर है और अंशदान योजना में जमा करवाते हैं जो वो ऑलमोस्ट। अगर आपको ये सारे टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी पता चले। और इसी के साथ जो है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर और एक्स्ट्रा आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।